बात करते हैं बिलाईगढ़ की। यहाँ पर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरसा के सरपंच पवन निषाद पर ग्रामीणों ने मनमानी करने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि हितग्राहियों को पिछले 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है, लेकिन सरपंच कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उस पर हरकत यह है कि सरपंच की शह पर ही गांव में जुए की फड़ लगने लगी है। पूरे गिरसा पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, ऐसे में ग्रामीणों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अभी चावल वाल दाल सब्जी ले तो पैसा काम आ रहे नहीं आएगा पेंशन आते घर तो का कहते सरपंच हम कसा था वही तो घर ना कहा कहते था नहीं है आदेश नहीं करे आज में लोग नहीं पाए सरपंच ला बोलता तो तो पैसा खाता में चल रहे हैं खाता में दो तीन था खाता है मोर खाता ला चेक करवा था आता पैसा नहीं है गए में पेंशन पैसा नहीं पाया बाथरूम के गुत्ती बनी ला नहीं पाया अभी पोस्टर के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय के पास पोस्टर के माध्यम से गए या अनुभवी अधिकारी के पास गए और जनपद सीओ के पास गए। और ज्यादा बातचीत के लिए अखिल माणिपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलाईगढ़ से। अखिल आप देख सकते हैं कि बिलाईगढ़ में सरपंच की मनमानी का आरोप लगे और अधिकारी नहीं करते हैं कोई कार्रवाई, जुआ भी सरपंच वहां खिलवा रहा है, इसीलिए वहां के लोगों ने आरोप लगाए सरपंच की मनमानी का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये मनमानी कब तक जारी रहेगी और क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है। हमारे साथ तो अखिल माणिकपुरी जुड़ गए हैं सोरा संवाददाता बिलाईगढ़ से। अखिल जिस तरह बात की जा रही है ग्रामीण लोग सरपंच की मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो गांव में जुआ भी खिलवाते हैं जिससे सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है, गांव वाले परेशान है, क्या कुछ अपडेट इसमें पूरे मामले का? जी मैं बिल्कुल बताइए बिलाईगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गिरसा की है जहाँ से सरपंच पवन निषाद हैं और ग्रामीणों की जो पेंशन आते हैं अवस्था में जिसके सहयोग की राशि शासन द्वारा दिया जा रहा है उसको 5 से 6 महीने तक अभी तक उन लोगों को नहीं दिया गया है, जिसके कारण विधवस्था वाले जो बुजुर्ग है उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वही मैं बता दूं कि शौचालय निर्माण तो हो गया है लेकिन शौचालय में जो मेहनती रहते हैं उसका राशि भी अभी तक 2000 रुपये नहीं दे गया है। अब ना कि यहाँ तक कि गांव के मुखिया होकर सरपंच होकर पवन निषाद वहाँ पर अपने घर पर जुआ खिला रहे हैं, इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर ग्रामीण की वहाँ पर माहौल बिगड़ा हुआ हो सकता है। तो ग्रामीणों ने शिकायत भी की है, इन आरोपों को लेकर शिकायत की है, गाँव वालों ने अधिकारियों शिकायत की, लेकिन अधिकारी एक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने इस बात को लेकर सीओ मैडम के पास गए थे लेकिन उसने किसी भी प्रकार के हम लोगों को जानकारी देने से इनकार कर दिया। सिर्फ उन लोग को ये कहा गया कि मैं सरपंच को बुला कर देता हूँ, फिर इस पर आगे कार्रवाई की बात कही गई और किसी प्रकार का आज तक कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके कारण आज सरपंच की 2-3 बार शिकायत हो जाने के बाद भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी कारण से ग्रामीणों की समस्या दर बदर। हमारे साथ पंचायत सचिव धीरेनाथ जी जुड़ चुके हैं। धीरेनाथ जी आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। दिनाथ जी शायद हमारे संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि सरपंच की शह पर वहां पर जुआ खिलाया जा रहा है, वहां की कार्यप्रणाली से नाराज है ग्रामीण और ये पूरा मामला अफसरों के संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। सरपंच की शह पर गांव में जुआ तक खिलाया जा रहा है, सरपंच की कार्यप्रणाली से लोग नाराज हैं और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की है। सिरसा ग्राम पंचायत का पूरा मामला है और ग्रामीणों ने कई आरोप ऐसे लगाए हैं सरपंच पर जो काफी गंभीर हैं। और आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर एडीएम से भी शिकायत की गई लेकिन उन्होंने इस शिकायत को अपने पास तो रख लिया लेकिन एक्शन क्या लिया इस बारे में अभी तक सारे लोग खामोश बैठे हैं। आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ अखिल माणिकपुरी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिल जिस तरह बात की जा रही थी कि सरपंच के जो हमारा सवाल था कि सरपंच की इस मनमानी को लेकर एडीएम का क्या रुख है? जी बिल्कुल, एसडीएम साहब के पास हम लोगों ने इस बात की चर्चा किया तो एसडीएम साहब ने सीओ को इसके लिए आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द मतलब 7 दिवस के अंदर पर क्या बोलते हैं पेंशन की राशि दिया जाए ताकि गांव वाले ने जो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन लो ताकि ये आंदोलन किसी प्रकार का न हो। आंदोलन तो ठीक है, आंदोलन तो बंद हो जाएगा लेकिन जिस तरह का जो काम किया जा रहा है सरपंच के द्वारा उस पर कब रोक लगेगी? सरपंच द्वारा जो काम किया जा रहा है वो तो धड़ल्ले चल ही रहा है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि गांव की मुखिया होकर गांव की अपने घर पर जुआ की फड़ लगाकर जुआ खिलाया जा रहा है ऐसा आरोप चंद्रशेखर के द्वारा लगाया जा रहा है ग्रामीण के द्वारा, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि गांव के मुख्य प्रधान इस तरह की हालत गांव में पैदा कर रहे हैं, बच्चों की भविष्य को क्या होगा जी पूरी तरह से अंधकार पर ढकेलने की बात
सामने आए। तो ये बात एसडीएम महोदय को नहीं बताई आपने? जिसके संबंध में हमने सीओ से बात करना चाहे, लेकिन सीओ ने साफ तौर पर हम लोगों को मीडिया से जानकारी देने के लिए साफ तौर पर इनकार ही कर दिया। क्या वजह है इनकार करने की? सिर्फ मैं अधिकृत नहीं हूँ, किसी प्रकार की बाइक नहीं दे सकता, सिर्फ यही उसका कहना था। यानी कि अफसर भी इस सारे मामले से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरपंच के खिलाफ बोलने में आखिरकार क्यों बच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल आखिर हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाईगढ़ का पूरा मामला है, यहाँ पर सरपंच के कार्य बनने से नाराज है, और सबसे बड़ी बात, हैरानी वाली बात ये निकलकर सामने आई है कि सरपंच पर एक्शन लेने के लिए अफसर भी खामोश है। शिकायत हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कुछ